वेल हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका वॉच टॉप 10 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग डिटेक्टिव मिस्ट्री मूवीज के बारे में जो एंड तक आपको अपने सस्पेंस और थ्रिल के जाल में बांध कर रखती है। इतना ही नहीं, इन 10 मूवीज के अलावा मैं आपको बताऊंगा एक बॉलीवुड की ऐसी स्पेशल डिटेक्टिव मूवी भी जो कि हॉलीवुड मूवी से कम नहीं, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इन मूवीज को डाउनलोड करने का प्रोसीजर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारा 10 क्लब चैनल ज्वाइन कर इन सभी मूवीज को एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। तो इसी के साथ चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, रिग्रेशन। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2015 में एंड एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको एमा वॉटसन और इथन हॉक लीड रोल्स में देखने मिलते हैं। मूवी की कहानी की बात करूं तो मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है एंजेला नाम की एक टीन लड़की के रेप केस के अराउंड, जिसे सॉल्व करने का काम मिलता है ब्रूस कैनन नाम के एक डिटेक्टिव को, और इस केस का दोषी कोई और नहीं बल्कि एंजेला के फादर को ही ठहराया जाता है। तो वहीं एंजेला को अपने रेप के रिगार्डिंग कोई भी बात याद नहीं रहती। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है डिटेक्टिव ब्रूस के सामने काफी सारी मिस्ट्रीज खुलती जाती हैं और एक सिंपल रेप केस सुलगते सटानिक कल्ट की ओर टर्न ले लेता है। अब क्या ब्रूस एक प्रोफेसर के साथ मिलकर इस अजीब मिस्ट्री को सुलझा पाता है, यही आपको मूवी देखकर पता लगाना होगा। इस मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग भी मिली है। नंबर 9, डिटेक्टिव डी मिस्ट्री ऑफ द फैंटम फ्लेम। ये मूवी डिटेक्टिव डी सीरीज की पहली और सबसे बेस्ट मूवी है जिसे रिलीज किया गया था 2010 में एंड ये एक एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री ड्रामा मूवी है। मूवी की स्टोरी की बात करूं तो ये मूवी हमें ले जाती है 689 AD में, जहां चाइना पर अब तक किसी रानी ने राज्य नहीं किया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब एम्प्रेस वू इस नियम को तोड़कर अपने राज्य में बुद्ध का एक स्टैचू बनवाती है तो एक एक कर उसमें काम कर रहे वर्कर्स अचानक से जलकर मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एम्प्रेस वू हेल्प लेती है अपने ही एक कैदी डिटेक्टिव डी की। इस मूवी में आपको सिर्फ डिटेक्टिव डी अपनी मिस्ट्री सुलझाते हुए नहीं बल्कि काफी सारा एक्शन करते हुए भी आपको नजर आएंगे। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है एंड ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 8, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2017 में जो हमें वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव हरक्यूले पोयरोट का एक थ्रिलर केस इन्वेस्टिगेशन दिखाती है। यह क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिसमें हमें केनेथ ब्राना के साथ जॉनी डेप भी इंपॉर्टेंट रोल्स में देखने मिलते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है एंड मूवी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड जिसे अंजाम दिया जाता है एक लग्जूरियस ट्रेन ओरिएंट एक्सप्रेस में, लेकिन जब एक अवलांच के दौरान वो ट्रेन कहीं रुकती है तब सबके सामने उस मर्डर का खुलासा होता है एंड इस केस का सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है डिटेक्टिव हरक्यूले को। ये बेसिकली उस टाइप की सस्पेंसफुल मूवी है जिसे देखकर ऑडियंस लगभग मूवी के सभी कैरेक्टर्स को शक की नजर से देखे एंड इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव हरक्यूले पूरी मूवी में हमें हंसाते भी चलते हैं। नंबर 7, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में, इसके रिलीज होने के 2 साल बाद ही यानी कि 2011 में हमें इसका एक रीमेक वर्जन भी देखने मिला जो कि रिलीज हुआ था विद द सेम नेम। ये दोनों ही मूवीज क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवीज हैं जो 99% लगभग सेम ही है एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमेक्स पार्ट एंड दोनों मूवीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है एंड आप कोई भी मूवी देखें कोई ऐसा खास फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इसके ओरिजिनल वर्जन की। मूवी की स्टोरी पूरी तरह रिवॉल्व करती है एक जर्नलिस्ट और एक टीन हैकर के अराउंड, जिन्हें एक अमीर आदमी द्वारा बुलाया जाता है अपने 40 साल पहले लापता हुई पोती के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके पीछे उसे अपने किसी फैमिली मेंबर का ही हाथ लगता है। पूरी मूवी आपको एंड तक सस्पेंस में बांध के रखती है और मूवी का स्क्रीन प्ले इतना शानदार है कि कहीं भी आपको बोरिंग नहीं लगता एंड ऑफ कोर्स अपने सस्पेंस के लिए इस मूवी का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग साबित होता है, इसलिए रिमेक न देखकर ये देखें तो ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 6, नाइव्स आउट। नाइव्स आउट रिलीज हुई थी 2019 में जो कि एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी में हमें डेनियल क्रेग, क्रिस इवांस और माइकल शैनन जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर्स देखने मिलते हैं। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक अजीब फैमिली के अराउंड जिसके सभी मेंबर्स एक दूसरे की जान के दुश्मन है एंड एक पार्टी के दौरान फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर की हत्या हो जाती है, जिसके इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिलती है डिटेक्टिव बेनोल्ट को। ये मूवी भी उन सस्पेंसफुल मूवीज में से एक है जो फैमिली के सभी मेंबर्स पर शक करवाती है, जिसके पीछे उनका मोटिव भी साफ साफ दिखता है और साथ ही डिटेक्टिव बेनोल्ट की इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी आपको मूवी में काफी पसंद आएगा। ये मूवी भी एंड तक आपको सस्पेंस में बांधकर रखेगी, जिसके लिए IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 5, प्रिजनर्स। प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था 2013 में जिसमें हमें ऑडियंस फेवरेट यू जैकमैन और जैक जिलनहॉल एक साथ देखने मिलते हैं। ये भी एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है और इसकी स्टोरी केलर डोवर और डिटेक्टिव लॉकी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक दिन जब केलर की बेटी और उसकी दोस्त अचानक गायब हो जाते हैं तब उन्हें खोजने के लिए केलर पुलिस की मदद लेता है और उनकी साइड से मदद के लिए भेजा जाता है डिटेक्टिव लॉकी को। लेकिन जब डिटेक्टिव लॉकी अपने ही कानून के लूप होल्स में फंसकर कुछ खास कर नहीं पाते तब केलर को अपने हाथों में लेनी पड़ती है। ये मूवी सिर्फ एक मिस्ट्री ही नहीं बल्कि एक फादर की अपनी फैमिली के लिए प्यार को भी काफी अच्छी तरह दिखाती है, इसलिए इस मूवी को एक ट्राई जरूर देना।
नंबर 4 शटर आइलैंड। शटर आइलैंड रिलीज हुई थी 2010 में एंड ये भी क्लासिक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसमें लीड रोल्स में लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रफेलो जैसे एकेडमी अवार्ड विनर्स एक्टर्स देखने मिलते हैं। मूवी का IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है जो हमें कहानी दिखाती है दो डिटेक्टिव्स की जिन्हें भेजा जाता है एक प्राइवेट आइलैंड पर जहां मौजूद मेंटल असाइलम से एक पेशेंट अचानक गायब हो जाती है। मूवी पूरी तरह मिस्ट्री और पजल से भरी पड़ी है जो इतनी कंफ्यूजिंग है कि मूवी एंड होते होते आपके माइंड के भी फ्यूज उड़ जाएंगे एंड क्लाइमेक्स में आप खुद पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इसे एक बार तो जरूर देखें। नंबर 3 जोडियक। जोडियक 2007 में रिलीज हुई काफी कमाल की कल्ट क्लासिक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है एंड मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जैक जिलनहॉल और मार्क रफेलो जैसे लेजेंडरी एक्टर्स देखने मिलते हैं। मूवी को डायरेक्ट किया सर डेविड फिंचर ने जो इससे पहले 7, सोशल नेटवर्क और गॉन गर्ल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी बना चुके हैं। मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक सीरियल किलर के अराउंड जो एक टाउन में हत्याएं करके कुछ जोडियक साइंस वहीं छोड़ जाता है एंड इस किलर की मिस्ट्री ने सभी डिटेक्टिव्स और जर्नलिस्ट की में दम कर रखा है। अब कैसे ही सब डिटेक्टिव की टीम और न्यूज़पेपर्स वाले एक साथ मिलकर इस किलर की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं आप यही सब डिटेल्स इस मूवी में देखेंगे। ये सच में एक मस्ट वॉच मिस्ट्री मूवी है जिसे आपको स्किप करने का सोचना भी नहीं चाहिए। नंबर 2 7। 7 भी सर डेविड फिंचर की बनाई गई एक और कल्ट क्लासिक क्राइम मिस्ट्री मूवी है जो इस जॉनरा में शोशिंग रिडेम्पशन से कम नहीं। मूवी का IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है एंड इसे रिलीज किया गया था 1995 में जिसमें हमें मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट डिटेक्टिव अवतार में देखने मिलते हैं। ये मूवी भी एक किलर पर ही फोकस करती है जो लोगों को काफी दर्दनाक तरीकों से मार रहा होता है जैसे कि अपरिचित में कुछ संस्कृत नामों की सजा देकर लोगों को मारता है वैसे इस मूवी में ये किलर 7 सेल्स नाम की सजा देकर लोगों की हत्या करता है। अब इस किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है दो डिटेक्टिव्स को जिनके लिए काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब कैसे डिटेक्टिव्स इस किलर को पकड़ते हैं और खुद किन किन खतरों में फंसते हैं ये सब डिटेल्स आप ये मूवी देखकर पता लगाएंगे। एंड फाइनली नंबर 1 शेरलॉक होम्स ड्यूओलॉजी। इसमें जितनी मूवीज अब तक आपने देखी वो सभी काफी ज्यादा डार्क और सीरियस टोन होल्ड करती हैं लेकिन शेरलॉक होम्स एक ऐसी मिस्ट्री मूवी है जो काफी सस्पेंस से भर होने के बावजूद भी आपको काफी रिलैक्स फील कराती है जिसकी वजह है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कमाल की एक्टिंग। शेरलॉक होम्स रिलीज की गई थी 2009 में जिसमें हमें पॉपुलर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स और उसके पार्टनर जॉन वॉटसन के अजीबोगरीब इन्वेस्टिगेशन देखने मिलते हैं। इस मूवी का IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है एंड ये पूरी मूवी कमाल के इन्वेस्टिगेशन मोमेंट्स और सरप्राइजिंग सीन से भरी पड़ी है। इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था 2011 में जिसे भी IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है एंड अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा तो ये आज से जरूर देख लें। आई एम श्योर आपको दोनों ही मूवीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई काउंटडाउन की टॉप 10 मूवीज। अब बात करते हैं आज की बोनस मूवी के बारे में जो कि है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2015 में जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। ये एक बॉलीवुड मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसमें सुशांत ने इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिक्शनल जासूस डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का रोल प्ले किया है जिन्हें टास्क मिलता है एक खोए हुए केमिस्ट को तलाशने का लेकिन जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है काफी डार्क सीक्रेट्स उनके सामने निकल कर आते हैं। ये बॉलीवुड की एक अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है एंड इसे आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इन मूवीज को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लें और अगर कहीं से भी चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।